सोलन में सरकारी उपकरण ही सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिमुंडा ने किसी भी विभागीय अनुमति के बिना करीबन 24 पौधे काट डाले हैं। ये वही पौधे हैं जो कुछ दिनों पहले विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इसलिए रोपित किए गए थे ताकि हिमुंडा कॉलोनी वासियों को हरे भरे पेड़ों की शुद्ध हवा मिल सके। अगर हिमुंडा वासी सही समय पर इस कटान को न रोकते तो हरे भरे पेड़ पौधों पर कुल्हाड़ी चल जाती। हिमुंडा वासियों ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि वह किसी भी सूरत में निमोड़ा कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट को नष्ट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा यहां पर पौधारोपण किया गया था लेकिन हिमुंडा अधिकारियों ने बिना किसी अनुमति के सभी पौधों को काट डाला और वो यहाँ पर कॉलोनी का निर्माण करना चाहते हैं लेकिन हम किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि घटना की शिकायत वन विभाग और नगर परिषद को कर दी गई है। अभी हमने यहाँ पर माननीय डॉक्टर बिंदल जी से पौधारोपण कराया, तकरीबन 300 पौधा लगाया, 150 पौधा तो यहाँ खड़े में लगाया था, वो भी पौधा आज की डेट में कहीं नजर नहीं आ रहा। मूलभूत सुविधाएं तो है नहीं यहाँ पर, हाउसिंग बोर्ड में सीवरेज सारी खड्ड में जा रही है, सड़कें 5 फुट की रह गई है, ये यहाँ पर क्या कॉलोनी बनाएंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, अगर ऐसी कॉलोनी भविष्य में बनेगी तो हमें इसके लिए जो भी करना पड़े, सारी चक्का जाम करना पड़े, डीसी के आगे जाकर बैठना पड़े, तो हम विरोध करेंगे। हमने अभी यहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी आए थे तो उनकी देखरेख में यहाँ पे हमने पौधारोपण किया था, तकरीबन हमने 300 पेड़ लगाए थे और यहाँ पे भी 150-200 पौधे हमने लगाए थे, तो जिन्होंने इनको यहाँ से सुबह से लेबर लगी है उन्होंने वो सारे काट दिए गए हैं। आज हाउसिंग बोर्ड फेज वन कॉलोनी में जो है यहाँ पे पेड़ काटे गए हैं जो कि हिमुडा के ऑफिस से ऑर्डर हुए हैं कि यहाँ पे पेड़ और पौधे काटे जाए सारे जितने भी हैं, और यहाँ पे ये ब्रीथिंग एरिया है हमारा कॉलोनी वालों का फेज वन का, जो कि ऑलरेडी कॉलोनी के अंदर जो है डेवलपमेंट चार्जिंग के अंदर उसको पेड़ कर चुके हैं हम सब कॉलोनी वासी, और फर्दर जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम कॉलोनी बनाना चाहते हैं और 8 ब्लॉक बनाना चाहते हैं, यहाँ इनके पास प्रपोजल आ चुकी है हिमुडा के ऑफिस सोलन में। वन विभाग के अधिकारी शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि करीबन 24 पौधे हिमुंडा द्वारा काटे गए हैं जिन्हें काटने की अनुमति हिमुंडा के पास नहीं थी, जो बेहद गलत है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट नगर परिषद को दी जा रही है और नगर परिषद इस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही अमल में लाएगी। मौके पर हिमुंडा जो हिमुंडा का एक क्षेत्र है उसमें झाड़ी कटाई व छोटे सैपलिंग कचनार ब्यूल पाजा और कक्कड़ के काटे गए हैं जो कि 24 के नंबर में अभी तक काउंट हुए हैं। इस एरिया के लिए कोई भी एनओसी वन विभाग से नहीं ली गई, ये एरिया एमसी एरिया के अधीन आता है, ये इसमें ईओ एमसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम इसकी रिपोर्ट ईओ को अपने माध्यम से डीएफओ साहब के माध्यम से भी तुरंत दे देंगे। प्रथम दृष्टि में ये मौका पर गलत काम हुआ है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।